अधिकारी चुनाव प्रचार के संबंध में हर दलों की राय ले रहे थे। हम लोगों ने भी अपनी पार्टी के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपनी राय दी है। हम लोगों ने चुनाव आयोग से ये कहा है कि चुनाव प्रचार जो है दो भाग में पार्टी की, एक उम्मीदवार जो है गांव-गांव घूमे, वोट मांगे जैसे पहले मांगते थे, और बड़े नेता जो हैं वो रैलियां कैसे करें, किस प्रकार रैली करें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियम का पालन हो, जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका कैसे पालन हो सके, ये चुनाव आयोग तय करे और उसके अनुरूप हम लोग काम करें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मांग किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का पैरामिलिट्री फोर्स जो कई राज्यों में जाता था आज फ्री है, पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के एक फेज में चुनाव प्रचार चुनाव संपन्न कराइए। आपको अगर चुनाव कर्मी की कमी हो तो यहाँ के भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों को लगाइए, बगल के राज्यों से कर्मचारी को मंगाइए, लेकिन एक फेज में चुनाव कराइए ताकि चुनाव का जो बोझ रहता है उम्मीदवारों के ऊपर 5 पेज 6 पेज का वो समाप्त हो जाए और एक दिन में चुनाव संपन्न हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुरूप चुनाव आयोग फैसला करे, क्योंकि आज की तारीख में हाईकोर्ट भी बंद है, सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, सब जगह उसका पालन हो रहा है, तो बड़े नेता कैसे रैलियां करें इस पर चुनाव आयोग कोई दिशा निर्देश दे और सबों से राय लेके राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों से जो राष्ट्रीय दल हैं उनसे राय विचार करके कोई निर्णय ले। एजेंडा पर बैठक थी, यहाँ कई एजेंडा आ गए, तो हम लोगों ने सब मिल करके कहा आज एक एजेंडे पर बात आप करिए, अन्य एजेंडा पर 7 एजेंडा 8 आप डाले हैं, 7 पर बातें होगी। आज का एजेंडा क्या था कि चुनाव का प्रचार कैसे हो, षड्यंत्रकारियों का विचार है कि चुनाव प्रचार न हो, केवल एक दो रूलिंग पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां यहां खड़ी हैं, सब लोग विरोध और सबकी एक राय, आप कहां है डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पार्ट हो, क्योंकि यदि आपने बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाया तो डेमोक्रेसी नहीं देश में रहेगी। हम लोगों ने कहा हमारे पास साधन क्या है इंट्रेक्शंस का, पीपल टू द लीडर, एक हम वहाँ जाते हैं, एक तो मैनिफेस्टो डाल देते हैं, लेकिन अपनी हम बहस को क्या करते हैं, हियर द मिस रूल, हम एक चाहते हैं न्यू गवर्नेंस, हमारी ये है आपको ये साधन देना। अब टीवी पर जो आज बोल रहे हैं, हाथ में उनकी टीवी है, ये बड़े बड़े स्क्रीनों पर लगा करके ये बात कर रहे हैं, ये धनवान हैं, जियो उनके साथ है, माफ करना, और उनके साथ खरबपति लोग हैं। हम लोग के पास एक जवान है और गरीबों को आवाज़ सुनाने की एक ताकत है और गरीबों को सुनने की इच्छा है, आप रोकोगे किसी चीज़ के नाम पर? हमने कहा यहाँ बैठाए हो हमें 50 लोगों को, वेयर द फिजिकल डिस्टेंस, जो चुनाव कमीशन के पास एक बैठने की जगह फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन डिस्कशन बिटवीन टू, नया टेक्नोलॉजी से प्रचार हो, जिसके पास खरबपतियों के पास साधन हो वो प्रचार करे, कि हमारे छोटे छोटे दल जिनके पास साधन नहीं है लेकिन वह जन है, आपने क्या मांग रखी, सुन रही है, धन शक्ति और जन शक्ति की टकराहट है, धन शक्ति वाले चाहते हैं कि धन से हम इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लें, हमें नहीं जाने देना चाहते हैं लोगों के बीच में, हमने कहा नहीं जन के बीच में हमें जाने दो, जिस दिन डिस्कशन बंद हो जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, डिस्कशन थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो अरबपतियों और खरबपतियों